بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم. لا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज जो है वो इंशाल्लाह मल्टीपल टॉपिक डिस्कस करेंगे. सबसे पहले जो है वो हम चक्रास को आज कंप्लीट करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. तो सबसे पहले जो है वो जिसको हम बोलते हैं क्रॉन चक्रा, या और यानी नॉर्मली जो है नॉर्मली नीचे से ऊपर की तरफ जाया जाता है. तो जो सबसे पहले आता है, वो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो मूल रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, कलर इसका रेड है और ये लोकेट करता है एट द बिल्कुल बेस ऑफ स्पाइन. तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि जो है दो नाड़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था. एक जो है वो इड़ा थी और दूसरी पिंगला. पिंगला जो है वो राइट नॉस्टल को रिप्रेजेंट कर रही है और लेफ्ट नॉस्टल को जो रिप्रेजेंट कर रही है वो इड़ा नाड़ी रिप्रेजेंट कर रही है. बिल्कुल ओके, और ये दोनों जो है वो जहां पे आके रुक रही हैं या जहां पे जाके वो फ्लो कर नीचे जा रही हैं, उसको वहां से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं पिंगला नाड़ी. ओके, पिंगला नाड़ी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि उसके अंदर नाड़ी और फिर मजीद थ्री कोटेड थी, और फिर हम जो है वो उसमें हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया था कि कितनी नाड़ी थे. कोई बता देगा, कोई अनम्यूट करके बताए कि वो कौन कौन सी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जो है वो सब नाड़ी कौन कौन सी जिनके ऊपर जो है वो सारे का सारा जो है वो हमारा जो नर्वस ये चक्रा सिस्टम है वो मूव करता है. तो कोई भी बता सकता है, किसी पे जो है ना वो ये नहीं है कि सिर्फ यही बताएंगे. कोई भी एनी बॉडी कैन एक्सप्लेन. ब्रह्मा नाड़ी, वज्र वज्र नाड़ी, ब्रह्मा नाड़ी, वज्र नाड़ी, ओके, और कोई सुषुम्ना नाड़ी के बीच में जो हमने डिस्कस किया था कि पहले जो है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वज्रा नाड़ी, वज्रा के अंदर चित्रा नाड़ी, और चित्रा विद इन चित्रा नाड़ी ब्रह्मा नाड़ी. तो ब्रह्मा नाड़ी के ऊपर जो है ये जो है वो सिक्स चक्रा जो है वो मूव कर रहे हैं. ओके, सिक्स चक्रा जो है वो रिलेट कर रहे हैं विद ब्रह्मा नाड़ी. तो पहले सबसे पहले आता है बेस चक्रा या रूट चक्रा. इसका इसको मैं अगर इनलार्ज करूं तो बिल्कुल इसका रेड कलर है, और बॉटम में आता है मूलाधार चक्रा, लोकेशन बेस ऑफ दी स्पाइन है, रेड है. और जो नॉर्मली इसको बैलेंसिंग के लिए मंत्रा बोला जाता तो उसको वो है लम, यानी जैसे लम बोला जाता. तो नॉर्मली जो है ये जब बीच मंत्रा बोले जाते हैं या मंत्रा जब हम जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसकी जो है वो मेडिटेशन करेंगे तो उसमें जो है वो बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे. और जो जो इसका फंक्शन है वो क्या करता है, जो पॉजिटिव है वो सर्वाइवल है और सर्वाइबिलिटी पे बेस कर रहा है, और सेल्फ प्रिजर्वेशन है और फियर्स है उन सबको जो है ये ब्लॉक करता है. फिर इसकी फिजिकल एसोसिएशन स्केल्टन सिस्टम के साथ, यानी आप ये देखिए ना स्केल्टन सिस्टम है. स्केल्टन सिस्टम से मुराद क्या है, स्केल्टन सिस्टम से मुराद क्या है, निजाम है यानी हड्डियों का जो निजाम. फिर दांत है, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी और ब्लड. अगर इम्बैलेंस हो जाए, यानी बैलेंस का मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और एक मोमेंटम में मूव कर रहा है. ठीक है, तो जब जो है ये क्लॉकवाइज नहीं मूव करता, यानी जैसे घड़ी चलती है ना, तो वैसे अगर ये नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये बैलेंस नहीं हो, यानी हम जो है वो इसे कहते हैं कि ब्लॉक कह सकते हैं, लॉक कह सकते हैं, या फिर इम्बैलेंस कह सकते हैं. ठीक है, तो अभी इसकी हालतों को हम डिस्कस करेंगे. तो पहले जो है अगर ये चक्रा जो है प्रॉपर वर्किंग ना करे, अभी इम्बैलेंस को हम यही कहते हैं कि अगर ये जो है प्रॉपर वर्किंग ना करे तो क्या पोजीशन होती है, एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है. ठीक है, थकावट हर वक्त रहती है, लोअर बैक में पेन रहती है, शैटिका है, डिप्रेशन है, फिर उसके बाद जो हाथ पांव का ठंडा होना और बार बार होना. ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं किसके लिए, कि अगर ये प्रॉब्लमेटिक है, इम्बैलेंस है, तो कौन से पोस्चर करने चाहिए. फिर ये पोस्चर जो है वो माउंटेन पोस्चर है, वॉरियर पोस्चर है, ठीक है, यानी वीर भद्रासना.
वन तो है उसका फ्रेम कनेक्शन जो है, यानी इसमें जो है वो नॉर्मली नॉर्मली जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि बंदा कौन सा लगाए। ओके, तो अभी जो है वो सारे के सारे पोस्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो है स्वाधिष्ठान चक्र, जो दूसरा चक्र आ रहा है स्वाधिष्ठान चक्र आ रहा है, और इसको हम इंग्लिश में सैक्रल चक्र बोलते हैं। और ये जो है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो अगर आप ये देखें, एक मिनट दीजिएगा प्लीज। अगर नाभि दो से अमर भाई, आपकी बात ब्रेक हो गई है। पर आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन है, वो ब्रेक हो रही है। और आवाज ही नहीं आ रही क्लियर, आवाज बंद हो रही है। कोई समझ नहीं। नीचे सिग्नल मेरा आगे लो क्या हो गया, लेंगे, किसी डिले के साथ आ की रही है बड़ी आवाज। हो सकती है वो नॉर्मली दो से जो है अमर साहब डेढ़ आवाज से। नहीं एक आ रही है, मिनट दीजिएगा, मैं नेट चेंज कर ले, आवाज नहीं आ रही सही, पीछे समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही इस वक्त। कर रहे हैं सर, ठीक कर रहे हैं। ओके, मैंने स्वैप कर ली। जब एक बंदा कहता है ना तो मैं फौरी चेंज कर लेता हूँ, सबको कहने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस वक्त तीन डिवाइसेस मैंने रखी हुई हैं, तो एक भी अगर प्रॉब्लमेटिक होती है ना तो मैं फौरी तौर पे दूसरी पे कन्वर्ट हो जाता हूँ। तो वो आप जो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है सिर्फ थोड़ा सा वेट कर लिया करें तो इट विल बी फिक्स द प्रॉब्लम। ओके सर, ओके सर। ओके, अभी जो है डिस्कस कर रहे थे हम सेकंड चक्रा को। सेकंड चक्रा जो है वो, इसको हम स्वाधिष्ठान चक्रा कहते हैं, और ये सैक्रल चक्रा के साथ रिलेट करता है, और कलर इसका ऑरेंज है, ऑरेंज कलर है। और ये जो इसका बीज मंत्र है उसका लाम था इसका वाम। ओके, और ये जो है जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो बच्चादानी है या जो खास तौर पे जो है वो मेल एंड फीमेल के जो जेनिटल ऑर्गन्स है, किडनी है और ब्लेडर, उसके साथ ये एसोसिएट कर रहा है। जो इसके पॉजिटिव पॉजिटिव इसके फंक्शंस हैं वो क्या हैं, ये कनेक्ट यानी मूवमेंट, कनेक्शन, प्लेयर, जॉयमेंट, ये इसके साथ एसोसिएट करता है। और जो नेगेटिव है यानी वो क्या है, ब्लॉक, यानी ये कब ब्लॉक होता है, जब बहुत ज्यादा जो है वो गेट या कुछ इस तरह के जो है वो अन जो है वो प्लेजेंट किस्म के जो है वो इमोशंस होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स अगर ये नॉट वर्किंग, ब्लॉक सिम्टम्स, यानी अभी मैं ये नहीं डिस्कस करूंगा कि ब्लॉक कैसे होता है या जो है वो, अभी मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि नॉट वर्किंग। ठीक है, फिर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है जो वर्किंग में आता है, किस तरह से ये नॉट वर्किंग है, नॉट वर्किंग की स्टेट क्या है। तो सबसे पहले जो है अगर ये चक्रा जो है वो वर्किंग में नहीं है तो फिर क्या होगा, खाने पीने की आदत जो है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, डिप्रेशन होगा, लोअर बैक पेन होगी, एस्मा होगा, एलर्जी होगी। ओके, और फिर जो है किस खास तौर पे जो है वो
जो इन्फेक्शन होगी, यानी यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड, जिसे हम यूटीआई, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी वो प्रॉब्लम्स बने, और बहुत ज्यादा जो है इम्पोटेंसी और इम्पोटेंसी में जो है वो इश्यू आएंगे, सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी, और इन शॉर्ट फॉर्म कह लें कि हर वक्त जो है, यानी क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो डायरेक्टली जो है वो सेक्सुअल डिजायर के साथ है, तो जब ये चक्रा ब्लॉक होगा तो ऑटोमेटिकली जो है इम्पोटेंसी या सेक्सुअल डिजायर जो है वो लीस्ट लेवल पर चली जाएगी, और अर्ली एज में जो है विमेन के अंदर अर्ली एज में भी जो है वो मीनोपॉज स्टार्ट हो सकता है, प्री मीनोपॉज स्टार्ट हो सकता है। ओके, अगर मीनोपॉज ना भी स्टार्ट हो तो उस जैसी जो है वो सिम्टम जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए जो पोस्चर्स हैं वो नटराज आसना है और ट्राइकोन आसना है, ठीक है, ये जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। इसी तरह अगर आप जो है बद्रासना या बदाकोनासना या हैतेतली आसना ये परफॉर्म करते हैं तो ये भी काफी ज्यादा जो है वो हेल्पफुल है टू बैलेंस द चक्रा। ओके, अब जो है अगला जो डिस्कस करेंगे हम सोलर प्लेक्सिस है। सोलर प्लेक्सिस जो है वो, अगर मैं ये बोलूं तो ये जो है 2 से 3 उंगलियां ऊपर, ठीक है, नेवल रीजन से, वो स्वादिष्ठान जो है वो 2 से 3 उंगलियां नीचे, यानी 1.5 इंच के नीचे है, ये जो है 2 से 3 उंगलियां ऊपर है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यानी नेवल रीजन, यानी नाभ से तकरीबन 2 से 3 जो है वो उंगलियां ऊपर, और अगर मैं यूं बोलूं तो 1.5 से 2 इंच ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। और ये जो है ये नेवल के अबव है, येलो है, और इसका बीच मंत्रा जो है पहले हमने लाम, अब फिर वम, अब ये जो बीच मंत्रा है राम, ये है। और प्रॉब्लमेटिक किस किस पोजीशन में आती है, डाइजेशन सिस्टम में आती है, फिर जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनका अगर परसीव करें देखें तो मणिपुर चक्रा ही जो है ना उनका डिस्पेक्ट होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 30 आज से, या एक तो कल संडे है, दो संडे के बाद जो है वो बाकायदा इसकी डिमोन्स्ट्रेशन दूंगा, और एक वॉलेंटियर को बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि उसके सारे चक्रास जो है वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे हैं। ओके, तो इसकी प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट भी करवाऊंगा आपको, कि जो है जो भी वॉलेंटियर जो है वो कोई भी आ जाए उसको जो है वो हम, यानी एक खास किस्म का जो है वो हम पेंडुलम एक के क्रिस्टल के पेंडुलम के साथ जो है वो उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और फिर जो है उसके डिफरेंट टाइप की मूवमेंट को जो है ना हम वैल्यूएट करते हैं। राइट, ओके, और अल्लाह ताला माफ फरमाए किसी को भी अभी तक जो है, यानी अगर किसी का इश्यू हो तो विद इन विद इन 6 वीक्स जो है वो उसके चक्रास को हम जो है वो, अगर ब्लॉक है तो उसको हम जो है वो एक्टिव कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके फंक्शंस क्या है, विल पावर और शेम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, ब्लॉकेज होगी तो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, अल्सर होगा, डायबिटीज है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया है, फिर बहुत ज्यादा जो है वो कॉन्स्टिपेशन रहेगी, कब्ज रहेगी, और फिर टॉक्सिन्स भी आएगी जो है वो, कोलाइटिस आएगा, लॉस मेमोरी आएगी, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा हाईली रेटेड है इसके लिए वो धनुरासना है, वॉरियर टू पोज है। ओके, इसी तरह हार्ट चक्रा जिसे अनाहत चक्रा कहते हैं, लोकेशन इसकी जो है वो, अगर आप, मैं बोलूं कि निपल्स के बिटवीन बिटवीन द निपल, ओके, तो ब्रीफ में यानी सेंटर ऑफ द चेस्ट, ओके, और ग्रीन है, इसका मंत्रा जो है वो यम है, हार्ट लंग सर्कुलेटरी सिस्टम आर्म और हैंड इसके साथ फिजिकली एक्टिव है, और हमेशा जो लोग हैं जो दुखी रहते हैं वो, उनका जो है वो फंक्शन जो है, यानी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि वो हाईली रेटेड किस्म के जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले इंसान जिनका ये चक्र बहुत एक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। ये किन के लिए है, क्या ब्लॉकेज हो, अगर नॉट वर्किंग वेल हो तो हार्ट की ब्रीदिंग की डिसऑर्डरिटी आ जाती है, ब्रीथ कैंसर आ जाता है, चेस्ट पेन आती है, हाई ब्लड प्रेशर आता है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम में जो है प्रॉब्लम आती है, मस्कुलर पेन्स में आती है। तो जो हाईली रेटेड है कौन कौन से आसना करने चाहिए इसके लिए,
इसमें भुजंगासन और उष्ट्रासन यानी कैमल पोज और कोबरा, ये जो है वो हाईली रेटेड है। फिर उसके बाद धनुरासन, थ्रोट चक्र, जी क्या बोला? हाँ धनुरासन जो आपने पहले बताया था, धनुरासन, धनुरासन ओके। आपने पहले अब जो है, बताया, सुनिए। अब जो है थ्रोट चक्र के बारे में बात करेंगे। थ्रोट चक्र जो है वो रिलेट करता है विशुद्धि के साथ, ओके। ब्लू जो इसका मंत्र है वो हाम है, और जो फिजिकल एसोसिएशन है थ्रॉट के साथ है, ईयर के साथ है, माउथ है, शोल्डर है और नेक है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन के साथ रिलेट है, थ्रॉट है तो कम्युनिकेशन के साथ इसका रिलेशन है। और ये यानी पॉजिटिव है कि ये जो जिसका प्रॉपरली इसका अगर देखें तो गुफ्तगु दो तरह की हो सकती है, सच्चाई पर बेस कर रही होती है या झूठ पर बेस कर रही होती है, ठीक है। और अगर जो है नॉट वर्किंग वेल हो तो फिर जो है थायराइड के इश्यू आ जाते हैं, ग्लैंड्स में आ जाता है, फीवर्स हो सकते हैं, फ्लू हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, टंग का, नेक का, शोल्डर प्रॉब्लम्स, ठीक है। यानी इस तरह के जो है हार्मोनल जो है वो डिसऑर्डर आ जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं। खासतौर पे जो है ये लोगों का जो है थायराइड्स और पैराथायराइड्स, यहाँ पे दो ग्लैंड होते हैं, दोनों की जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसके लिए जो है वो मत्स्यासन और हालासन हाईली रिकमेंडेड है, और दोनों एक दूसरे के काउंटरपोज भी हैं। फिर उसके बाद थर्ड चक्र है जिसको, ये हालात ना जो जिन्होंने तो फिजिकली नहीं हो सकता, जी सॉरी समझ नहीं आई, लैग कर गया। मैंने कहा कि हालात जी ना अफगानी भाई क्या फरमाया जो आपने? जिन्होंने वगैरह करवाई उनके लिए तो नहीं, उसके लिए देखे ना कि आप जो मत्स्यासन कर सकते हैं, जी, ठीक है। ठीक समझ नहीं है क्या क्वेश्चन क्या है ना। इन्होंने बोला कि जिनका जो है अगर खुदा नखास्ता किसी को का, क्योंकि हलासना करते हुए ना हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, ठीक जी है। तो जिन्होंने जो है वो अगर कोई कार्डिक सर्जरी हार्ट हुई है या कुछ इस तरह जो है वो इश्यूज है तो उनके वो लिए नहीं कर सकते। हालासना जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। तो फिर जो जी है क्या करना चाहिए मत्यासन, उनके लिए जो है वो मत्यासन मत्स्यासन, फिश फिश पोज जो है वो हाईली रेटेड जी, है, थैंक यू। ओके। और ओके सर, आज्ञा चक्र, ओके। थर्ड आई चक्र बिटवीन बिटवीन जो है वो कहाँ पे ये लाई करता है, ये कहाँ पे ये लाई कर रहा है, ये जो है वो दोनों भौवों के दरमियान और बिटवीन द आईब्रोज। और इंडिगो कलर है जो इसका ओ, जिसको जो है वो किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, जो इसका बीज मंत्र है। और फिजिकल एसोसिएशन जो है तो आंखों के दरमियान है, बेस ऑफ दी आई है, तो आईज और बेस ऑफ दी सकल और जो है वो उसके बारे में है। और इसके जो हाईली पॉजिटिव ये रेटेड होते हैं ना, जो इमेजिनेशन का जो लेवल है ना वो बहुत हाई होता है, यानी ऐसे लोगों का, ठीक है। और खास तौर पे जो है अगर इसको इसको जो है देखें तो ये जो है जिनकी ये हाईली रेटेड होते हैं वो बहुत या तो सोसाइटी में बहुत अच्छे शायर होते हैं, या फिर जो है वो बड़े अच्छे ही जो है वो पेंटिंग करने में यानी मुसव्वर बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके इमेजिनेशन जो है वो बहुत हाईली रेटेड होता है। और जो इनके नेगेटिव एसोसिएशन है अल्यूजन, यानी वो हर वक्त जो है तफक्कुरात वाले जो है ना वो सिनेरियो भी जो है वो जनरेट होते रहते हैं। और अगर जो है वो अल्लाह ना करे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कोऑर्डिनेशन, स्लीप डिसऑर्डर, ठीक है, और डिसेबिलिटीज जो है वो आती हैं। और इसके लिए जो है हाईली रेट किया जाता है वो वज्रासना है, और खास तौर पे जो है वो जो शशांक आसना या बालासना या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, ये जो है वो हाईली रेटेड किया जाता है इसके लिए, ओके। फिर जो है क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र, ये अबाउट जो है राइट अबाउट द टॉप ऑफ द हेड, यानी अगर मैं ये बोलूं तो ये तकरीबन सर से तकरीबन 2 इंच सॉरी 2 उंगलियां जो है वो ये ऊपर होता है, ओके। और जो दो कलर्स हैं व्हाइट या वॉयलेट, और इसका भी जो है वो मंत्रा, इसका भी जो है वो बीज मंत्रा, इसका भी ओम है, और या फिर जो है वो
आप क्या करते हैं कि एक ओम करते हैं और दूसरे ओम के बिटवीन जो है वो आप बिल्कुल साइलेंट रहते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन या जो है वो स्कूल ऑफ थॉट टू स्कूल ऑफ थॉट वेरिएट करता है। ओके और क्योंकि ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है यानी उसके साथ उसको एसोसिएट होता है, तो जितना भी हमारा सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनको ये एसोसिएट कर रहा होता है। और परसेप्शन खसूसी तौर पे जो है वो ये डील करता है कॉस्मिक एनर्जी के साथ, और ये एक यानी कनेक्ट कर रहा होता है विद हाईली रेटेड जो है वो कॉस्मिक एनर्जी के साथ। तो इसके लिए फिर विजन जो है ना वो अपना बहुत ज्यादा जो है वो ओपन रखना पड़ता है। ये जो है नॉर्मली नॉर्मली जो है ब्लॉक नहीं होता, लेकिन इसके अंदर यानी इसको जो है अगर छह चक्रा जो है वो एक्टिव हो तो फिर ये वर्किंग में आता। ओके और अगर जो है किसी किस्म का इश्यू बना हो या किसी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम बना हो तो फिर जो है वो ये अगर वो चक्रा जो है वो नॉट वर्किंग हो तो फिर जो है इसको ये ऑटोमेटिकली जो है वो इनका जो है वो वहां तक पहुंचना जो है वो थोड़ा सा दुश्वार होता है। तो सात चक्रा से आपने डिस्कस किए क्योंकि आपके सिलेबस में जो सर का कंटेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर इससे रिलेटेड कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आप जो है वो अपना क्वेश्चन। अब चक्रास की जो है ब्लॉकेज के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो पहली बात यह है कि अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है चक्रास जो है वर्किंग फुल एनर्जी में बैलेंस है। अगर वो क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता है तो एनर्जी जो है वो क्या है रिस्ट्रिक्टेड है या क्लोज। और अगर वो स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में मूव करना शुरू कर देता है तो वो जो है वो पार्शली जो है वो अनबैलेंस है। ओके पार्शली का मतलब कुछ हिस्सा ब्लॉक है कुछ जो है वो चल रहा है। और अगर जो है वो क्या हो कि अगर जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वो जो है वो बैजली मूवमेंट करना शुरू कर दे। बैजली मूवमेंट समझते हैं ना कि जो है यानी जैसे जो ओवल शेप में मूव करना शुरू कर दे तो वो इम्बैलेंस है। ओके अगर जो है वो कोई भी हरकत नहीं कर रहा तो वो ब्लॉक है। ओके एक तो तरीका कर ये समझ आ गया, क्लियर हो गया। हेलो एक तरीका कर हाँ ये सर, है और दूसरा बैलेंस तरीका कर ये अगर कर है दें। कि आमर भाई, अभी इसकी भाई ना बता रहा हूं रिकॉर्डिंग भी करते जाएं ताकि ना बाद में भी हमें दोबारा इसको समझने में आसानी हो जाए। भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है अब ये देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर जो है मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर तो पेंडुलम से चेक हो जाता है, अगर नहीं है पेंडुलम से नहीं चेक करते तो वैसे ही जो है वो अभी मैं पढ़ा के आया था डिस्कस किया था कि ये बीमारियां हो तो ये अगर फर्ज कर ले इम्पोटेंसी का इश्यू आ गया ठीक है, या प्रॉपरली जो है भूख नहीं लग रही, या जिनको जो है वो डायबिटीज है तो आप ये देखें कि ये कौन से चक्रा के सराउंडिंग में है। डायबिटिक पेशेंट का ऑब्वियसली 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 मणिपुर चक्रा इज नॉट वर्किंग। ओके तो उन्हें जो है फिर उसी के सिनेरियो में या उसी के लिहाज से जो है वो फिर आसना करवानी चाहिए। ओके तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि जिस लिहाज से अगर जो है वो दो मोड्स हैं, या तो उनको एक प्रॉपर प्रॉपर जो है वो जब ये हम करवाते हैं जो है वो पेंडुलम से जब हम करवाते हैं तो उस वक्त कोई भी मेटल उनकी बॉडी पे नहीं रहने देते। मेटल से मुराद ये है अंगूठी हो जैसे ग्लासेस में हो, या जो है वो घड़ी पहनी हो, या मोबाइल वगैरह, या जो है वो किसी तरह की जो है बेल्ट मेटालिक या बेल्ट हो कोई भी ठीक है, या शू लेसेस हो या रिस्ट बैंड हो कोई भी टाइप का मेटल उनकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो नहीं रहने। और फिर जो है वो हम जो है वो इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक मेथड ये मैंने डिस्कस किया, दूसरा मेथड ये है कि कोई जो है यानी जब चक्रा पहले ब्लॉक होता है ठीक है, पहले चक्रा क्या होता है ब्लॉक होता है, अगर वो बहुत ज्यादा देर तक ब्लॉक रहता है ना ठीक है या प्रॉब्लमेटिक रहता है तो क्या क्या करते हैं क्या होता है वो फिर बीमारी में कन्वर्ट होना।
तो वो डायबिटिक भी हो सकता है, इम्पोटेंसी भी हो सकती है, हार्ट की इश्यूज आ सकते हैं, ज्यादा देर चकरा ब्लॉक रहने की वजह से प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये चकरा जो है वो राइट नो इज फुली ब्लॉक्ड। जब फुली ब्लॉक्ड होता है तो फिर जो है वो बीमारी जो है वो जाहिर होने शुरू हो जाती है। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके अब जो है यहां तक अगर माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें, वरना जो है वो बंदाज को मैं स्टार्ट करने लगा हूं। ओके, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम बंदाज बोलते हैं, यानी लॉक, यानी होल्ड, यानी टाइटिंग सर्टन पार्ट ऑफ द बॉडी। बंदा का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या है? हेलो सर, चलो बात ठीक है, दे दियो खाना कहना, चलिए दस्ता है। हेलो तो क्या सीधा बार बार कहते हो अच्छा, बार बार कहते हो अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज अनम्यूट रखा करें अपने आप को। और पर्पस ऑफ द बंदास क्या है कि जो स्पेसिफिक एनर्जी चैनल्स हैं या खास तौर पे जो एनर्जी चैनल्स हैं उनको हमने जो है वो एड्रेस करना। ओके, तो बंदास जो है वो एक पार्टिकुलर एरिया में जो है वो एनर्जी ब्लॉक्स हैं, और ये क्या काम करते हैं, हेल्प टू, यानी वो पूरी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें स्प्रेड आउट करने के लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं हम 2 बजे से लेके 3 बजे तक एवरी संडे। तो अगर आपका माइंड बने तो यू कैन ट्राई। तो बंदा जो है वो नीचे से मूलाधार से जो है वो अपवर्ड एनर्जी को लेके जाने में हेल्प आउट करता। तो डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट जो है वो बंदाज हैं, बंदाज को अप्लाई करने का तरीका जो है वो क्या किया जाता है, यानी हम जो है वो ब्रीदिंग प्रैक्टिस के साथ लगाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जो जो बंदा है वो मुद्रा प्लस बंदा, ये दोनों मिलकर जो है वो काम करते हैं। तो नॉर्मली जो आपके, क्योंकि ये बुक जो है ये 200 आवर्स के लिए भी है, 300 आवर्स के लिए भी है और 500 आवर्स के लिए भी है। तो आपके सिलेबस में तीन जो है वो बंदाज हैं, वैसे चार हैं लेकिन तीन बंदाज हैं। कौन कौन से? जलंधर बंदा है, ठीक है, मूल बंद है और उड़िया बंद। तो सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया है जलंधर बंद को। जलंधर बंद जो है थ्रॉट लॉक कहते हैं, ठीक है। तो थ्रॉट लॉक जो है वो कैसे लगाया जाता है, ये इनहेलेशन और जो है एक्सहेलेशन के साथ, दोनों के साथ हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सिद्धि में बैठ सकते हैं, वो सिद्धि कौन सी है, सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, अर्धा पद्मासन हो सकता है, ठीक है, स्वास्तिक आसन हो सकता है, यानी किसी भी वज्रासन में भी आप बैठ के जो है वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, और इसको लगाने का तरीका कार वो ये है कि अभी मैं जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करवाता हूँ और फिर इंशाल्लाह नमाज का वक्त है 15 मिनट का, तो आई एम श्योर सबको जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। आपने क्या करना होगा, इनहेल करना होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, इनहेल करें या एक्सहेल करें। आप इसको खड़े होकर भी लगा सकते हैं, इसको बैठ के भी लगा सकते हैं। ओके, तो अगर हाथों को ये अंगूठा इसके साथ अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो ये मुद्रा ऐसे देखिएगा, इस मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। पंजाबी में इसको थापी, जैसे थापी नहीं लगानी होती किसी को, थापी लगाते हैं, ठीक है। तो हिंदी में जो, यानी ड्रॉन मुद्रा, ऐसे ये ड्रॉन मुद्रा है। तो इसको आप थाई पे रख लेते हैं, यानी सोमो पहलवान जो है जैसे खड़े होते हैं, या आप जो है वो अपने हाथ को नीज के ऊपर भी रख सकते हैं और थाइस के ऊपर भी रख सकते हैं। ओके, और इनहेल करते हैं और आप जो है वो इसको अंतरा कुंभक में भी लगा सकते हैं और बाह्य कुंभक में भी लगा सकते हैं। ओके, करना क्या होगा, आपने ठोड़ी को ये डबल सी बनाएंगे और फिर एग्जिट, आप जो है वो ठोड़ी को ये नरम जगह, इस जगह पे जो है वो टिकाएं। ओके, और आप जो है वो अपनी नजरों को ऊपर की तरफ रखेंगे और शोल्डर थोड़े से ऊपर जा सकते हैं। ओके, और ये आप जो है वो चेयर पोज, जैसे हम उत्कटासन जिसे हम बोलते हैं, उस पोस्टर में भी कर सकते हैं और इसको बैठ के भी कर सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस पोस्टर का नाम, यानी इस बंदा का नाम जो है वो जलंधर बंद है, और ये अंतरा कुंभक में भी अप्लाई हो सकता है और बाह्य कुंभक में भी अप्लाई हो सकता है। ओके, फिर इसके बाद जो है इसके इसका जो नेक्स्ट, यानी इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, ये दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल
दोनों रिटेंशन में हो सकता है। आपकी चॉइस है कि इसको समटाइम जो है वो हम आंतरा कुंभक में भी लगाते हैं, समटाइम इसको बाह्य कुंभक में भी लगाते हैं, और इसकी कम से कम 3 से 5 दफा प्रैक्टिस जो है वो लाजिम है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि ये थ्रॉट को एक्टिवेट करता है, थ्रॉट है तो थ्रॉट वाले चक्रास को भी ये एक्टिवेट करता है, तो उसका नाम जो है वो कोई बता दे, कोई भी बता दे, अनम्यूट करके फॉरन म्यूट कर ले बाद में, तो जो थ्रॉट में जो चक्र है उसको हम क्या बोलते हैं सर? विशुद्धि जी, विशुद्धि चक्र, ठीक है। तो ये विशुद्धि चक्र को भी बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है, और ठीक है ये यहाँ पे दो ग्लैंड्स भी हैं, थायराइड और पैराथायराइड, उसकी भी हेल्थ को बेहतर करता है, और जो किसी किस्म के जो डबल चिन का जो लेवल है वो भी उसको भी ये करता है, और फिर इसके साथ साथ ये जो खास तौर पे जो बात करने लगा हूँ, ये जो है साइनस जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी ये ओपन करने में हेल्प आउट करता है। इसको जिनको साइनस का इश्यू होता है उन्हें ये रिकमेंड किया जाता है कि वो जलंधर बन लगाने के बाद अगर ये फेस की हड्डी है ना, फेस की हड्डी ये नजर आ रही है ना आपको, ठीक है ये नजर आ रही है ना यहाँ पे फेस की हड्डी, ये वाली हड्डी इसके बिल्कुल नीचे ये डिप आ रहा है, इसके ऊपर दबाइएगा और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा, जस्ट दबाइएगा। जिनको साइनस का इश्यू होता है ना वो ऐसे महसूस होता है कि यहाँ पे बहुत जख्म बने हुए, ठीक है, खुसूसी तौर पे ये इस जगह पे नजर आ रही ना ये हड्डी, ये इस जगह पे अगर आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे लिम्फेटिक वेनिज होते हैं, नोड्स होते हैं जो फुल ऑफ, यानी जिनको साइनस का इश्यू होता है उनका ये ड्रेनेज जो है वो फुल ऑफ होते हैं, तो उनको फिर एम्प्टी करने के लिए हम जो है वो इसकी मसाज भी करते हैं रोटेटिंग सर्कुलेटरी, और यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं, और फिर उनके लिए जो है वो काफी ज्यादा जो है वो जो साइनस के इश्यू वो फिक्स हो जाते हैं। तो दोबारा बता रहा हूँ, पहले जो है वो 3 से 5 दफा जो है वो जलंधर बंद करते हैं और फिर जो है वो इस रीजन को दबाते हैं। भाई आप जो है वो प्रैक्टिकली अभी दबा के देखिएगा, आई एम श्योर जिनको साइनस का इश्यू होता है उनके ये चीजें जो है वो दुखनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी ने प्रैक्टिस की है तो प्लीज आप बताइएगा। उसके बाद जी सर की है, जी किया है, ये इस जगह पे, इस जगह पे नहीं हुआ, इस जगह, हाँ जी जी जी, पेन तो नहीं महसूस, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ओके ओके, बिल्कुल दबा के सर्कुलेटरी किया है लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, दर्द नहीं है, तो साइनस का इशू नहीं है। जिनको साइनस का इशू होता है उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त कर दो, ठीक है। ये किने नहीं करना, जिन्हें नेक पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आपको पता ही है कि खसूसी तौर पे जिसमें रिटेंशन आती है, यानी जो कुंभक हार्ट के पेशेंट को जो है या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज जिन्हें होती है उन्हें कहते हैं भैया आपने जो है वो कुंभक नहीं लगाना, ना ही अंतरा ना ही बाह्य, तो क्योंकि कुंभक में होता है तो फिर जो है हार्ट पेशेंट के लिए या जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। खास तौर पे जिनके टॉन्सिल्स का इश्यू बना हो, विमेन को ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान नहीं लगाना चाहिए, ओके। अगला जो है जो लगाना है वो कितनी देर के लिए लगाना है, 5 दफा रिपीट तो करना है, कितनी देर जी? ये अब ये सारी भाई देखिएगा, मैंने आपसे एक बात बोली थी, आपने शायद तवज्जो नहीं दी, मैंने ये कहा था कि ये जो है अंतरा कुंभक में होता है या बाह्य कुंभक में होता है, अंतरा कुंभक या बाह्य, अंतरा कुंभक और बाह्य कुंभक का मतलब क्या है साहिब भाई, बताइएगा आप। अंतरा कुंभक नहीं बता पाऊंगा जी, इनहेल करके सांस रोकेंगे तो ओ भाई सबर तो कर ले भैया, सबर कर ले, सबर कर ले, कोई और बताए भाई। कोई और मैं बताऊं, अफजल बोल रहा हूँ। जी अफजल भाई बताएं, सांस इनहेल करेंगे, सांस को होल्ड करेंगे, वहां पे ये लगाएंगे,
और ये जब हमने अंतरा में ये लगाना है, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो वो फिर हम सांस एक्सहेल कर, इनहेल करने के बाद एक्सहेल करने के बाद फिर दोबारा लगाएंगे इसको। ये आमिर भाई जो सांस को इनहेल करके लगाते हैं वो अंदर कुंभक होता है, होल्ड करेंगे, जो एक्सहेल करके लगाते हैं वो बाह्य कुंभक होता है। अंतरा अंतरा बाह्य कुंभक, राइट। यानी सांस इन्हें आप देखें ना, इनहेल किया और इनहेल करने के बाद सांस रोक लिया, अंतरक, ये अंतरक कुंभक, ओके अंतरक कुंभक, और अंतरक कुंभक, और इनहेल किया फिर एक्सहेल किया, फिर जो सांस रोकेंगे उसे हम बाह्य कुंभक बोलेंगे, बाह्य कुंभक, ओके। तो कल जी, कल बता रहे थे ना सर, सर बता रहे थे, ठीक है जी, कल सर बता रहे थे ना कि जो कुंभक, जी जी बताया था, यानी पूरक है, पूरक था, फिर कुंभक था, अंतरा कुंभक, और फिर रीशक था, और रीशक के बाद जो है वो बाह्य कुंभक था, ओके। ये चार चीजों को सर ने एक्सप्लेन किया था। पहला क्या था, पूरक, फिर पूरक, फिर अंतरा कुंभक, रीशक, और फिर बाह्य कुंभक, बाह्य, ओके। यानी पूरक इनहेल, ओके, फिर अंतरा कुंभक यानी रिटेंशन आफ्टर इनहेलेशन, फिर रीशक एक्सहेल, और फिर बाह्य कुंभक यानी रिटेंशन एक्सहेल। जी जी अफगानी भाई क्या फरमा रहे हैं आप, एक्सहेल करके रिटेंशन है, जी एक्सहेल करने के बाद रिटेंशन है, दैट इज कॉल्ड बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक, ओके जी, ओके। अच्छा जी, अब जो है अगला हम डिस्कस करेंगे, अगला हम डिस्कस करेंगे मूलबंध, मूलबंध, ओके, ए साइलेंट है, मूलबंध हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये किस जगह पे लगता है, सर ने ब्रैकेट में लिखा हुआ है पेरेनियम कॉन्ट्रैक्शन, पेरेनियम रीजन कौन सी है, अहमद आप ना बोलना यार, अहमद भाई मैं चुप हूँ सर, मैं चुप हूँ, अब बस तुझे अब मैंने अब म्यूट पे डाल देना, पक्का पक्का, मैं चुप हूँ सर, चुप। अच्छा जी, कोई बता दे, कोई बता दे, सर जो टेस्टिस और एनस के दरमियान जो एरिया है ये पेरिनियल रीजन है, एनस के दरमियान, पहले भी डिस्कस किया, वेरी नाइस, क्लैप कर दें भाई इसके लिए, कौन सा है और कहां से हैं, नदीम मुश्ताक वाकिंग सर, ओ ग्रेट नदीम मुश्ताक, थैंक यू सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्रावो ब्रदर, यानी पहले भी डिस्कस किया था, पहले भी बताया था पेरिनियम रीजन जो है, शुक्रिया सर, विजाइनल, वेरी नाइस, पेरिनियम रीजन या विजाइनल रीजन, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना जो है, यानी ये किस जगह पे है, ये एनस और टेस्टिस बॉल के बिटवीन जगह को कॉन्ट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मूलबंध, ओके, यानी उस जगह को कॉन्ट्रैक्ट करना, तो उसी को ये इसको हमेशा याद रखें, फ्लोर भी बोलते हैं जी, इसको पेल्विक फ्लोर भी बोलते हैं, पेल्विक फ्लोर जो है ना, पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो पेल्विक फ्लोर जो है आप देखें, पहले जो है ये पोर्शन जो है ना, ये पोर्शन एब्डोमिनल पोर्शन, ठीक है, उसके नीचे आता है नाभ से नीचे वाला हिस्सा, पेशाब वाली नाली का, उससे पहले पहले पेल्विक रीजन आता है, क्या रीजन आता है, पेल्विक रीजन, पेशाब वाली नाली से लेके पखाने वाली और थोड़े से आगे जहां पे टेल बोन शुरू हो गई, ठीक है, उसको हम कहते हैं पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर, ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर जो है, अफगानी भाई समझ आया, जी हेलो, पेल्विक फ्लोर जो है वो पेशाब वाली नाली से लेके यूरिनरी ट्रैक से लेके कहां तक जा रहा है, जी जी समझ आ रहा है, जी जी आ गए, एनस, यानी वो सारा रीजन जो है दैट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर, ओके, और पेशाब वाली नाली से लेके नाभ तक का,
नाव तक जो रीजन है इसको पैल्विक रीजन बोलते हैं, उससे ऑनवर्ड एब्डोमिनल रीजन, ठीक है, अंडरस्टैंड किया, उससे ऊपर थोरैसिक रीजन, फिर उससे ऊपर क्लेविकल रीजन, यानी अगर मैं यहां से नीचे आ रहा हूं, ठीक है, ये सर्वाइकल रीजन, गर्दन में सर्वाइकल रीजन आ गया, फिर ये हसली की हड्डी है ना, तो क्लेविकल रीजन, फिर उसके बाद ये जो पोर्शन आ रहा है, ठीक है, पसलियों वाला रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, थोरैसिक रीजन, फिर पसलियों से लेके नाफ वाला जो रीजन है, तो ये जो है एब्डोमिनल रीजन, फिर उसके नाफ से लेके, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक तक, ठीक है, पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन उससे यूरिनरी ट्रैक से लेके टेल बोन तक, दैट इज कॉल्ड पेल्विक फ्लोर। क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो पेल्विक फ्लोर में जो है वो हमने तो जनाब दो बंदे लगा देने, दो लगा देने काम, ठीक है, मुद्रास भी लगा देंगे यहाँ पे, तो पेल्विक फ्लोर जो है बहुत बड़ी जगह है, पेरिनियम जो है वो उसमें भी एक जो है वो स्पॉटेड प्लेस है। जी खालिद भाई, खालिद जैदी भाई पूछे जनाब। अनम्यूट करें, अनम्यूट। जी खालिद भाई, अगर आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। ओके अच्छा जी, वो अभी कर नहीं पा रहे, तो इन द मीन टाइम मैं टाइम को यूज कर रहा हूँ। जलंधर बंद मैंने बोला, जलंधर बंद जो है वो अंतरा कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों में हो सकता है, ओके। और अब मूल बंद के बारे में बात करें, ये हमेशा 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 लिख लें, कहीं पे लिखना चाहें तो ये हमेशा अंतरा कुंभक में होता है, ओके ये हमेशा अंतरा कुंभक में होगा। क्लियर? सर आवाज ब्रेक हो गई थी जब मैं ये बता रहा हूं कि जलंधर बंद जो है वो अंतरा में भी और बाह्य कुंभक दोनों में लगता है, आपकी चॉइस है, यानी स्नैरियो जो है वो अंतरा कुंभक में भी हो सकती है और बाह्य कुंभक में भी हो सकती है, लेकिन लेकिन मूल बंद जो है वो हमेशा 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 याद रखिएगा, ये कब लगता है, अंतरा कुंभक में लगता है, ओके ओके। ये सर ने भी लिखा है, क्या लिखा है कि किसी भी पोस्टर में बैठे आंखें बंद करें, बंदा से बंद आंखों के साथ लगते हैं, और इनहेल डीपली करना है, ओके, और क्या करेंगे, इनहेल डीपली, रिटेन द ब्रीथ इनसाइड, ओके, आप इनहेल करेंगे, देन जो है यू हैव टू परफॉर्म द मूवमेंट, ओके। क्लियर हो गया? खालिद भाई आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। खालिद जैदी भाई कहां गए? भाई आप क्वेश्चन करना है तो अपने जो माइक है उसको अनम्यूट करें और देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज आप टाइप करके पूछ सकते हैं। खालिद भाई ओके, अब जो है आपने इनहेल करना है, इनहेल करेंगे तो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे और उस रीजन को जो है जो खास तौर पे जो है वो आपने क्या करना होगा, उस रीजन को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, वो रीजन कौन सी है, पेरिनियम रीजन है या जो है विजाइनल रीजन। जी कौन सा है भाई? सर मैं सैयद खालिद जैदी। वालेकुम अस्सलाम। जी खालिद भाई जी आपका नाम शो हो रहा है, नाम शो नहीं हो रहा, वही बात कि ये तीन से पांच राउंड करने चाहिए, ओके, और फिर जो है ये किन के लिए फायदेमंद है, किन के लिए फायदेमंद नहीं है, वही हेल्थ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है,
यूरिनरी ट्रैक को सिस्टम को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है, कब्ज को खत्म करता है, ठीक है, जो पाइल है उसको एनर्जी को इंक्रीज करता है, और खास तौर पे ये जो है मूलाधार चक्र को ये एक्टिवेट करता है, और सेक्सुअल हेल्थ को, सेक्सुअल डिजायर को इंक्रीज करता है, और बॉडी के अंदर जो है वो खास किस्म की एनर्जी चैनल को जो है ना वो अपडेट करता है। इसी तरह इनको ये नहीं करना चाहिए, वही बात कि हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, हार्ट के जो पेशेंट्स हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, विमेन इन प्रेगनेंट पीरियड उन्हें भी ये नहीं करना चाहिए। ओके, जो अल्सर के पेशेंट पाइल्स हैं या जिनकी जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है उन्हें ये नहीं करना चाहिए। ओके, अब जो है दूसरा जो है वो उड्यान बंद डिस्कस कर रहे हैं, कॉपी पे अगर लिखना चाहें ठीक है तो आप लिख सकते हैं। उड्यान बंद हमेशा कब होता है? ये बाह्य कुंभक में होता है। बाह्य कुंभक से मुराद इनहेल किया और एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे बैली को क्या करेंगे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बॉडी को यानी आपने बैली को क्या करना है, बैली को पीछे की तरफ और फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ टक करेंगे और देन यू विल परफॉर्म द उड्यान बंद। ओके, तो ये एब्डोमिनल रीजन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और अब ये क्वेश्चन ये है कि ये बाह्य कुंभक में होगा, ये किन के लिए बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिशियल है? आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए, एक्सहेल करेंगे और फिर जो है वो तरीकाकार वही है, किसी भी आप जो है वो मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए क्या करेंगे बिल्कुल जो है वो बैली को पहले टक करेंगे पीछे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, और इसमें आपका जो होल्ड रहेगा और आपका होल्ड जो है वो डिफाइन करता है कि कितना ज्यादा देर तक रहता है, ठीक है। तो फिर आप क्वेश्चन ये करेंगे कि इसको कितनी देर तक करना है, मैं फिर वही कहूंगा कि जितनी देर आपका अंतरा कुंभक या आपका बाह्य कुंभक आपको अलाउ करता है। तो ये जो है खास तौर पे उड्यान बंद जो है ये किस में लगता है? ये हमेशा 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 बाह्य कुंभक में लगता है। ओके, और इसको जो है वो हम परफॉर्म जब करते हैं तो एक खास किस्म की जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है, और इसके राउंड जो है वही 3 से 5 करने चाहिए। इसके लिए हेल्प आउट करता है, डाइजेशन को हेल्प आउट करता है, जो है कब्ज को कम करता है और पेट के कीड़ों को कम करता है, डायबिटिक पेशेंट को जो है वो करना चाहिए, एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, उसकी मसाजिंग होती है और जो जो टेंशन है उसको रिड्यूस करता है, और खास तौर पे जो है जो आप यूं कह लें कि जो डायबिटिक पेशेंट है ये मसाज करता है जो हमारे जितने भी इंटरनल सॉफ्ट रीजन में ऑर्गन आते हैं, ठीक है, स्टमक से रिलेट कर रहे हैं जो, और इसकी कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन ये किन को नहीं करना चाहिए। और वही बात ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को, हर्निया के, अल्सर के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ये नहीं करना चाहिए। 3 हमने बंदाज डिस्कस किए, आप में से कोई भी अनम्यूट करके वो बता सकता है कि वो कौन कौन से 3 जो है वो बंदाज हमने डिस्कस किए।